फ्रेंड्स, आज के वीडियो आपको बताऊंगी साड़ी में से बहुत ही सुंदर गाउन कैसे बनाएं। देखिए, ये हमारी साड़ी है, ये हमारा लाइनिंग है। देखिए, हमने साड़ी खोल ली है। हमारी साड़ी में दोनों साइड हमारा बॉर्डर है, तो पहले हम बॉर्डर कट करेंगे, उसके बाद हम अम्ब्रेला कट गाउन बनाएंगे इसमें से। हम देखिए, हमारा जो बॉर्डर है हम हाफ इंच छोड़ के फिर कट करेंगे, क्योंकि हमारा फोल्ड में जाएगा थोड़ा सा। इस तरह मैं दोनों साइड की बॉर्डर कट कर लेती हूँ। देखिए, हमने ये दोनों बॉर्डर कट कर लिया है। अब हम साड़ी में से ढाई मीटर कपड़ा कट करते हैं। देखिए, मैंने ढाई मीटर कपड़ा लिया है, अब हम इसे कट कर देते हैं। देखिए, हमने इसमें से ढाई मीटर कपड़ा कट कर लिया है इस तरह। अब हम इसे जो हमारा बंद हिस्सा है एक साइड का, उसे हम इस तरह फोल्ड कर देते हैं। और हमारी गाउन की फुल लेंथ है 51, इसमें से 14 इंच हमारा ऊपर टॉप आएगा, उसकी फिर लेंथ हमारी 37 है। और हमारे इसमें से 3 इंच का बॉर्डर भी हमारा देख सकते हैं आप, हाफ इंच ऊपर जाएगा और जो हमारा प्लेन है वो ज्यादा नीचे जाएगा हमारा इस तरह। तो हमारा 3 इंच का बॉर्डर तैयार होगा। देखिए, हम इसकी कमर कट करते हैं। हमने 6.5 लिए है। लेंथ इसकी नापते हैं, हमारा 7.5 आ रहा है, तो हमारा तीनों साइड हमारा 7.5 आना चाहिए। इस तरह हम 7.5 पे निशान लगा लेते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो तो। देखिए, इस तरह हम इसे बुनाई में ले लेते थोड़ा सा। देख सकते हैं आप, हमारा 6.5 आ रहा है। और देखिए, इसकी हम लेंथ 35 लेंगे, 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे इसमें। इस तरह मैं पूरी निशान लगा लेती हूँ राउंड में, देख सकते हैं। देखिए, हमने पूरे में राउंड में इसे निशान लगा लिया है। अब हम इसे कट करते हैं, और जो हमारा ये इतना कम पड़ रहा है वो हम ज्वाइंट करेंगे इसमें से। हम नीचे भी कट करते हैं इसी तरह। देखिए, हमने ये कट कर दिया नीचे, हमारे इतना पीस कम पड़ रहा है। जो हमारे ये स्ट्रेट पीस है, इस तरह हम इसे ऐसे रखते हैं, हाफ इंच ऊपर ले लें इसमें, क्योंकि सिलाई में जाएगा हमारा हाफ इंच इस तरह। देखिए, हमारे इसमें दिख रहा है नीचे का पोर्शन, तो हम कट कर देते हैं, नहीं तो आप निशान भी लगा के फिर कट करते। देखिए, हमने ये कट कर लिया है। देखिए, हमने ये बॉर्डर लिया है, बॉर्डर को इस तरह हाफ इंच अंदर फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर इस तरह हम सिलाई लगा देंगे। हाफ ये हमारा जो प्लेन हिस्सा है, इस तरह से भी अंदर फोल्ड कर देंगे। देखिए, हमने लाइनिंग लिया है, लाइनिंग की लेंथ हमने 37 ली है। और देखिए, हमने ये फोर फोल्डिंग कर लिया है हमारी, हमने उसमें 6.5 ली थी कमर, 9 लेंगे क्योंकि उसमें प्लेट डालेंगे। और इस तरह हम क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर देते। नीचे हम 1.5 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह, और हम हल्का सा इसमें गुलाई देंगे, सीधे थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कट कर देते हैं इस लाइन पे। देखिए, हमने कट कर दिया, आप देख सकते हैं इस तरह। और जो हमारे ऊपर का बंद हिस्सा है, हम इसे कट कर देते पहले। देखिए, हमने ये कट कर दिया है। देखिए, हमने ये लाइनिंग लिया है, मैंने लाइनिंग 4 फोल्डिंग कर लिया, देख सकते हैं इस तरह। और जो हमारा बंद हिस्सा है वो हम नेक की साइड लेंगे, इस साइड शोल्डर 6.5, मुंडे भी 6.5, और ये हम 32 साइज का बना रहे हैं, तो हमने 8 लिया है, 2 इंच हमारा मार्जिन, तो हम 10 ले लेते हैं। और इसकी लेंथ है 15 इंच,
तैयार में 14 इंच होगा, हाफ इंच सिलाई में जाएगा और हाफ इंच ऊपर जाएगा। देख सकते इस तरह जो हमारा मार्जिन है, मोटे में 1.5 इंच की सिलाई लेंगे। अब हम इस पे कट कर देते हैं। देखिए हमने ये कट कर लिया है, अब हम इसे नेक कट करते हैं। तो नेक के लिए हम पहले अलग अलग कर लेते दोनों पीसेस। देखिए हमारा फ्रंट है ये, तो फ्रंट में हम 3.5 लेंगे। हम 3.5 इंच की लेंथ लेंगे, तैयार में 3 इंच होगा। इस तरह इसमें हम 1 इंच की गुड़ाई लेते हैं। देखिए हमने ये फ्रंट पीस कट कर लिया है, हम बैक साइड कट करते हैं। देखिए हमारा ये बैक साइड का नेक है, तो उसमें भी 3.5 ले लेते नेक। और इसकी लेंथ हम 3 इंच लेंगे, हम 1 इंच की गुलाई लेंगे। हमने ये ड्रॉ कर लिया है, अब हम इसमें 1 इंच छोड़ देते हैं। इसमें अब 4 इंच पे निशान लगा लेते हैं। 3 इंच पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों साइड। इस तरह हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इसमें हम एक डॉग देंगे, देखिए इस तरह कुछ मैं ऐसे कट करती हूँ। हमने दोनों पीस कट कर लिए, अब हम सेम ड्राफ्ट रख के जो हमारी साड़ी कपड़ा है इस पर हम कट कर लेते हैं। देखिए हमारा ये पल्लू है, अब जो हमारा बैक साइड का पीस है, ये जो हमारा फ्लावर है ना, ये हमारा सेंटर में आएगा इस तरह। अब सेम ड्रॉप हम इसे कट कर देते हैं, या फिर आप पहले कच्चा कर ले फिर बाद में कट कर ले, पहले हम कट कर देते हैं। देखिए हमने कट कर लिया है, देखिए हमारी जो हमारा ये फ्लावर है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है। इसी तरह मेरा दूसरा पीस भी कट कर लेती हूँ, उसमें बीच में हमारा सेंटर में फ्लावर आएगा। देखिए हमारा ये बैक साइड का पीस है, और देखिए हमारा ये सेंटर में फ्लावर आ रहा है। इसी तरह हम इस तरह कट लेते हैं जैसे हमारे सेंटर में ये फ्लावर आए। हम सेम ड्राफ्ट इस पर कट कर, देखिए हमने ये कट कर लिया है। देखिए हमारा ये जो हमारा फ्लावर है बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, देख सकते हो आप इस तरह। पहले हम इस पर कच्चा कर लेते हैं, फिर हम ये नेक कट करेंगे, और फिर ये और जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे भी हम कट कर देंगे। देखिए अब हम स्लिप कट करते हैं। स्लिप के लिए मैंने लाइनिंग ले लिया, और लाइनिंग मैंने 4 फोल्डिंग कर लिया, देख सकते इस तरह। और मैंने इसकी 9 ली हमने। हम ये एल्बो स्लिप बना काटेंगे, तो हम 10 ले लेते हैं। पेन पे इस तरह निशान लगा लेते हैं, ऊपर से हम 3.5 पे निशान लगाते हैं, यहाँ से हम गुलाई देते हैं इस तरह। देखिए मैंने लाइनिंग कट कर लिया है, सेम ड्राफ्ट के मैं
कपड़े पे कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने फोर फोल्डिंग कर लिया है, सेम ग्राफ रखती हूँ, इसे कट कर लेते हैं। कट कर लिया दोनों साइड इस तरह। देखिए हम स्लीव में नीचे फिल डालेंगे, तो उसके लिए मैंने जो बॉर्डर था वो बॉर्डर कट कर लिया। बॉर्डर की लेंथ हमने 38 ली है, आप कम भी ले सकते हो, इसे ज्यादा भी ले सकते हो। हम इसमें इस तरह फिल डालेंगे और नीचे हम फोल्ड कर देंगे इस तरह। देखिए हमने कैनवास ले लिए, डबल फोल्ड कर लिया है, जो हमारे नेक कटा था उस ड्राफ्ट को हम इस तरह रखते हैं। कैनवास की चौड़ाई 1 इंच लेंगे, इस तरह 1 इंच में हम कट कर देते हैं। देखिए मैंने कट कर लिया है, अब हम नेक पट्टी भी इस पर कट करते हैं। देखिए मैंने कपड़ा डबल फोल्ड कर लिया, जो मैं नेक कटा था उसे इस तरह रखते हैं और सीम डाल करके कट कर देते हैं। हम इसकी कपड़े की चौड़ाई लेंगे 1.5 इंच। देखिए इस तरह दोनों मैंने कट कर लिया है और सेम ऐसे ही ग्राफ के एक और कट कर लेती हूँ, जो मैंने टॉप काटा था उसका भी इसी तरह सेम ग्राफ के इसे कट कर लेती हूँ। देखिए मैंने तीनों कट कर लिया है, अब हम इस तरह जो हमने 1 इंच कपड़े में एक्स्ट्रा लिया था इस तरह रख के इसमें राउंड में सिलाई लगा देते सब में। ये हमारा फ्रंट पीस है और बैक पीस हमारा पीछे है, देख सकते हैं आप इस तरह ड्रॉप आ रहा है हमारा। हमने कट कर दिया है, कच्चा भी कर दिया पूरे में हमने। देखिए हमारी स्लीव है, हमने स्लीव में भी कच्चा कर लिया है और ये हमारी फ्रिल डालने के लिए हमने ये बॉर्डर कट किया है। और देखिए ये हमारा लहंगा है, देखिए यहाँ इसमें हम ज्वाइंट कर देंगे, यहाँ पे स्ट्रेट साइड लगा के नीचे हमारा बॉर्डर है, बॉर्डर ज्वाइंट कर देंगे। देखिए हमारा पूरा गाउन कट हो गया है, अब हम इसकी सिलाई अगली वीडियो में दिखाएंगे, प्लीज उसे देखना ना भूले। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज मेरी वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक।